बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा दोस्त मुझसे पूछते थे, कहते थे कि बिलाल भाई हमें जो है ना नॉर्थ साइप्रस में रन का काम कैसा होता है उसके बारे में थोड़ी सी जो है ना इन्फॉर्मेशन दें। आज की जो वीडियो है मैं उसमें आप लोग से शेयर करूँगा कि नॉर्थ साइप्रस में रन का काम कैसा होता है। अच्छा, वीडियो को जो है ना शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कमेंट करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस टाइम मेरे साथ जो है मेहरबाज़ भाई हैं, ये बेसिकली यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस में जो है रंग का काम करते हैं। तो आज इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में और यहाँ पे साइप्रस में रंग के काम में क्या डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा मुझे दोस्त भाई हैं जो पाकिस्तान में, वो अक्सर मुझे कहते हैं कि बिलाल भी हमें बताएं कि वहाँ पे रंग का काम कैसा है। तो अब्बास भाई से पूछते हैं और इनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है रंग में वो यूज़ होते हैं। तो जी अब्बास भाई, बताएँ आप ज़रा जो जो आपका एक्सपीरियंस है। मुझे तकरीबन यहाँ पे ना 6 साल हो गए हैं और यहाँ से और पाकिस्तान में यहाँ पर और पाकिस्तान में काफ़ी डिफरेंस है पेंट के काम में। इधर इजी है, पाकिस्तान में बहुत हार्ड है ये काम। बेसिकली यहाँ पर जो यूज़ होता है ना, वो ये इसे प्रोटीन कहते हैं यहाँ पे तो आलची कहते हैं इसे इनकी ज़ुबान में। ठीक है, ये बहुत यूज़ होती है यहाँ पर। तकरीबन जो है ना ज़्यादा यही यूज़ होती है। और जो पेंट करते हैं वो यहाँ पर रूला यूज़ होता है। ठीक है, तो पाकिस्तान तो ज़्यादा वो बड़े जो ब्रश होते हैं उनसे ही मारते हैं, आपको पता ही होगा। जी जी हाँ, तो इसलिए यहाँ पर ना काफ़ी इजी है ये काम। सही हो गया। मुझे आपने ये बताना है कि यहाँ पे जब आप लोग ये रंग का जो काम होता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ या जो वीडियो देख रहे हैं भाई उनके लिए कोई ऐसी चीज़ कि वो पाकिस्तान से ऐसी चीज़ सीख के आएँ, क्योंकि पाकिस्तान का रंग का काम और यहाँ के रंग के काम में आप बता रहे हैं कि फ़र्क है, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे कि यार ये जो चीज़ है ना ये सीख के आओ जो आपको यहाँ पे आके ना प्रॉब्लम नहीं होगी, फेस नहीं करनी पड़ेगी। पहली बात ये, पाकिस्तान में जो है ना वो रूला बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो यही है कि ज़्यादा रूला जो है ना उधर यूज़ करें, और वो जो कटाई नहीं करते उधर वो अच्छी होनी चाहिए। औजार आप यहाँ पे कौन कौन से यूज़ करते हैं? औजार जो है वो तो एक हो गया वो रूला, वो अभी तो नहीं है पास, मैं आपको दिखा देता। और दूसरा जो है वो ये है, किसे कहते हैं मिस्रा, और ये है स्पातुला। यही दो चीज़ें जो है ना काफ़ी यूज़ होती हैं। ठीक है, इनसे ही वो पटीन जो होती है ना वो मारते हैं, जिसे आलची कहते हैं। हाँ, तो मैंने भी यहाँ आकर ही सीखा ये काम, तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया मुझे यहाँ पर, 6 साल मैंने बताया आपको। जी जी, यानी कि काम टफ नहीं है अगर पाकिस्तान से जो बंदा कारीगर है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखें पाकिस्तान में होता है एक हो गया उस्ताद और एक हो गया उसका कारीगर। उस्ताद ने तो जब यहाँ पे आना है उसने तो ज़रा इजीली सीख लेना है, कारीगर बंदा जो है वो यहाँ पे आएगा उसके लिए क्या चीज़ मतलब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है? ज़ुबान भी ऑफकोर्स उसे मसला होगा, तो आने से पहले उसे ऑफकोर्स इन चीज़ों के नाम भी पाकिस्तान से अगर सीख के आएगा तो उसे फ़ायदे होंगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें अगर आप बताना चाहें। देखें यहाँ पर जिसने भी आना, अगर वो कारीगर भी है ना, तो नए तरीके से वो स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये लोग उन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करते। ठीक है ना, तो उसको ना नए तरीके से यहाँ पर जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर वो मास्टर है तो। अब भी सही हो गया, ऑफ कोर्स ज़ुबान की वजह से, ज़ुबान की वजह से भी, और काम जो है वो काफ़ी डिफरेंट है पाकिस्तान से, काम डिफरेंट है। हाँ। अच्छा, इसमें जो है अस्करी उजरत सैलरी, अस्करी उजरत मिल रही है या फिर जो उस्ताद बंदा होता है उसे ज़्यादा भी मिल रही है? मैंने सुना है कि जो उस्ताद बंदा होता है उसे ज़्यादा भी मिल रही है, लेकिन उस्ताद सिर्फ रंग का उस्ताद ही नहीं, उसके लिए उसे लैंग्वेज भी आनी चाहिए। यस, देखें ये जो पेंट का काम है ना इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी है, अगर काम आता है आपको तो अस्करी उजरत नहीं बल्कि उस काम के लिहाज से मिलेगी सैलरी। इसमें ज़ुबान का भी आता है कि ज़ुबान का तो आपको पता ही है यहाँ पर बहुत लाजम है, कहीं भी जाना है तो आपकी ज़ुबान की तो ज़रूरत है। सही हो गया। कितने घंटे ड्यूटी होती है और जो कंपनी होती है वो फूड और अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है? जी नहीं, जो काम का टाइमिंग है ना वो तो सुबह 7 से तकरीबन 4:30 तक है, और जो अकोमोडेशन है वो आपने खुद ही हैंडल करना है उसे। सही हो गया जी। तो आप इस टाइम वर्क वीज़े पे या रंग वाले वर्क वीज़े ऐसे ही है ना? यस। ठीक हो गया। तो आप कुछ, क्योंकि आपकी ये फील्ड है
आपको ज़्यादा नॉलेज होगा कि क्या चीज़ें वीडियो में बतानी चाहिए ऐसी, जो कि आने वाला जो भी बंदा हमारी ये वीडियो देख रहा है उसे देख के फ़ायदा हो जाए इस वीडियो का। आप कुछ ऐसी चीज़ बताना चाह रहे हो लास्ट में, ताकि फिर वीडियो का जो है हम एंड करें? देखें जी, इस काम में जो है ना टाइमिंग बहुत अच्छी है। सुबह 7 बजे से 4:30 तक, बाकी जो भी काम है उनमें 12 घंटे 10 घंटे ड्यूटी है। तो ये काम टाइमिंग के लिहाज से बहुत अच्छा है और वैसे भी ठीक है, इतना हार्ड काम नहीं है जितना लोगों ने समझा हुआ है। अच्छा, काफ़ी ईजी है। लास्ट में आपसे एक ये चीज़ भी पूछना चाहता हूँ कि आप क्या रिकमेंड करेंगे लोगों को, कि वो नॉर्थ साइप्रस इस वीज़े पे आएं? या अक्सर बंदे ऐसे होते हैं जिनको काम आता भी नहीं है और वो रंग के वीज़े पे इधर आ जाते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा बताएं कि इस तरह ना करें कि आपको अगर काम नहीं आता और रंग वीज़े पे आप यहाँ पे आ जाते हैं फिर मालिक उनके वीज़े कैंसिल कर देते हैं। इस तरह की भी थोड़ी सी मुझे बताएं चीज़ ये, ताकि जो वीडियो देख रहे हैं उनको इस चीज़ का भी नॉलेज हो। मैंने अक्सर ये जो चीज़ें ना ये देखी हैं कि बंदों को काम आता नहीं है, वो वीडियो किसी और की बना के भेज देते हैं कि भाई ये हमारा काम है, फिर जब वो यहाँ पे आते हैं ना काम नहीं उन्हें आता, इवन उन्हें ब्रश भी चलाने नहीं आता, तो मालिक उनके वीज़े जो है ना कैंसिल कर देते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप बताएं ज़रा। आप ये जो चीज़ें हैं ना ये काफ़ी लोगों ने फेस की हैं, ये बिल्कुल ठीक है। देखें, जिसने भी यहाँ पर आना है ना, पहली बात तो उसे ज़बान नहीं आती, दूसरे नंबर पर यहाँ पर काम बहुत डिफरेंट है जिसकी वजह से मालक एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो अगर उन्हें पता भी है ना, तो पाकिस्तान में तो ये बिल्कुल है ही नहीं ना ये पुटीन वाला सिस्टम, अगर है भी तो वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इस लिहाज से मालक जो है ना वो उन्हें जरा मजदूर के तौर पे यूज़ करते हैं अगर करें भी तो। एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आता है स्टार्टिंग में उसे काम नहीं आता यहाँ पे आके, ऑफ कोर्स काम थोड़ा डिफरेंट होगा महीना दो महीने, क्या उसे इसकी उजरत ही मिलेगी या उससे कम मिलेगी? देखें जी, ये तो मालिक पे डिपेंड करता है वो क्या देता है। ठीक है, वैसे तो अस्करी उजरत चल रही है यहाँ पर, जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं वो इतने ही देते हैं, अस्करी उजरत ही देते हैं ज़्यादातर। ठीक हो गया। हाँ, तो इनमें ज़्यादातर जो है ना वो दिन के लिहाज से चलती है, मतलब मंथली सैलरी नहीं है, पर डे। ठीक है, फ़ोन भी आपका ज़रा उसे साइलेंट पे कर लें तो ठीक हो गया। ये सीन है। तो नॉर्थ साइप्रस के बारे में क्या रिकमेंड करते हैं, आना चाहिए यहाँ पे? जी बिल्कुल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन करें। देखें जी, पाकिस्तान के लिहाज से तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ पर जो लोग पाकिस्तान में 50,000 भी नहीं कमा रहे वो यहाँ पर आके 2-2 लाख कमा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि बहुत अच्छा है ये कंट्री और सुकून भी है यहाँ पर, बहुत सुकून है यहाँ पर। सुकून किस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखें, यहाँ पर कोई चोरा चकारी नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। जी, तो बाकी भी चीज़ें, लोगों का अहलाक बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस लिहाज से बहुत अच्छी कंट्री है। ठीक हो गया सर, ये हमारे साथ मेहर भाई, इनके साथ मैंने चीज़ें शेयर की हैं आप लोगों के साथ कि नॉर्थ साइप्रस में जो है रंग का काम वो कैसा होता है। तो बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ पे जो इतना आ रहे थे मैसेजेस भी और लोग मुझे कॉल्स करके भी पूछ रहे थे, तो मेरे पास टाइम नहीं था। आज मैं बाय चांस बस मिला हूँ मेहर भाई से, तो मैंने कहा चलो मैं चलते चलते बस वीडियो भी बना लें और आप लोगों को दिखाएंगे भी इंशाल्लाह। मैं इनकी ना पेंट की वीडियो बना के वो भी कोशिश करूँगा इस वीडियो में अटैच करूँ, आप लोग वो भी देख लीजिएगा कि काम किस तरह का होता है। तो बाकी एंड में वही, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह कोई और भी अच्छी सी वीडियो भी और अच्छा सा टॉपिक हुआ तो वो उस पर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और मेरी तरफ से और मेरे भाई की तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।